हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुधीर टेक्निकल में। आज हमारा टॉपिक है डॉल स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। आज ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम अपने सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बेसिकली डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जनरल पर्पस स्टार्टर होता है, जो कि इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक दोनों पर्पस में यूज़ होता है। बेसिकली इसको हम सबमर्सिबल पंप वगैरह या लो बेट लो पावर की मोटर्स हैं उसमें यूज़ होते हैं। मेनली ये मैक्सिमम 5 HP तक की मोटर में हम यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसके कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके पावर वायरिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे डॉल स्टार्टर का पावर वायरिंग है, यहाँ पे 3 फेस यूज़ कर रहे हैं जो 440 वोल्ट की सप्लाई के हैं। इसमें रेड येलो ब्लू ये मेन MCB से होते हुए जाएंगे। यहाँ MPCB लगी हुई है जो कि MCB लगी हुई है जो कि प्रोटेक्शन के लिए यूज की गई है। और इसके अलावा इसमें कॉन्टैक्टर यूज़ किया गया है। कॉन्टैक्टर के बाद ओवरलोड रिले यूज़ किया गया है जो कि ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इसमें एक मोटर यूज़ की गई है जो 3 फेस की मोटर है। ये 3 फेस मोटर इस यहाँ पे हम कॉन्टैक्टर में ओवरलोड रिले में 3 फेस सिंगल फेस दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी कंट्रोल वायरिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग है, यहाँ पे सिंगल फेस 230 वोल्ट की सप्लाई है। ये थर्मल ओवरलोड रिले से होके नॉर्मली क्लोज जो कि स्टॉप पुश बटन है उससे होके स्टार्ट पुश बटन के नॉर्मली ओपन से होके एक कंडक्टर की कॉइल में जाता है। जब हम ये स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं तो कॉन्टैक्टर की कॉइल का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से सप्लाई उस कॉन्टैक्ट से कनेक्ट हो जाती है और यहाँ से दोबारा मोमेंटली नॉर्मली अपनी कंडीशन में आ जाता है। और ये मैग्नेटाइज होने के कारण जो एनो कॉन्टैक्टर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो पुश होके एनओ से NC में कन्वर्ट हो जाता है और सप्लाई यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है। और अगर हम दोबारा इसको स्टॉप पुश बटन को दबाते हैं तो ये कॉन्टैक्ट छूट जाएगा और ये नॉर्मली अपनी एनो कंडीशन में आ जाएगा। इस प्रकार डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग होती है और ये इस प्रकार से वर्क करता है। अब हम इसकी वायरिंग कैसे करते हैं उसको हम यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके बता देते हैं। इसमें सबसे पहले 230 या 24 वोल्ट का कॉन्टैक्टर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट करेंगे। ये सप्लाई यहाँ पे ओवरलोड रिले के NC कॉन्टैक्ट से होके ये स्टॉप पुश बटन के NC में चली जाएगी। लेकिन हम सबसे पहले आपको यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे ओवरलोड रिले यूज़ क्यों कर रहे हैं। ओवरलोड रिले बेसिकली मोटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और ये इसमें एक कॉन्टैक्ट होता है। ओवरलोड रिले जब हम मोटर में हाई करंट फ्लो होता है या फिर ओवरलोड होती है तो मोटर के कॉन्टैक्ट गर्म हो जाते हैं और इसके अंदर मेटल की एक पत्ती होती है जो कि कॉपर की बनी होती है। और मेटल का एक करेक्टरिस्टिक होती है कि जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा तो ये एक्सपांड हो जाएगी। उस कंडीशन में इसके अंदर जो मेटल की कॉपर की पत्ती है वो उसके नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट कर देगी, जिससे इसका जो पूरा सर्किट है क्लोज सर्किट ओपन सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉन्टैक्टर डिलेज होकर मोटर स्टॉप हो जाएगी। इस प्रकार मोटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब हम दोबारा इसके ओवरलोड रिले के सर्किट में वापस आते हैं। अब यहाँ पे ओवरलोड रिले के NC कॉन्टैक्ट से ये स्टॉप पुश बटन के NC कॉन्टैक्ट में जाएगा। NC कॉन्टैक्ट से होकर यहाँ दो पार्ट में सप्लाई चली जाएगी, एक तो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट से पुश बटन से होके डायरेक्ट कॉन्टैक्टर के A2 एंड कॉइल के A2 एंड पे कनेक्ट हो जाएगी। और दूसरा जो इसका दूसरा कॉन्टैक्ट कनेक्शन है वो कॉन्टैक्टर के नॉर्मली ओपन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से होके कॉइल से कनेक्ट हो जाएगा। और इसके A1 कॉइल को हम न्यूट्रल या 0 वोल्ट DC जो 24 वोल्ट की 0 वोल्ट DC या 230 में न्यूट्रल से कनेक्ट हो जाएगा। 230 AC जो यूज़ होगा वहाँ पे न्यूट्रल हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हम जैसे ही स्टार्ट पुश बटन दबाएंगे, स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे
तो सप्लाई डायरेक्ट इस कॉन्टैक्ट में जाएगी, कॉन्टैक्टर में जाएगी, कॉन्टैक्टर में जाएगी तो इस चीज़ का कॉइल मैग्नेटाइज होगी, मैग्नेटाइज होगी तो ये कॉन्टैक्टर पुश हो जाएगा जिससे इससे कॉन्टैक्ट बन जाएगा, जो नॉर्मली NO है वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से जो सप्लाई गई है वो इस NO कॉन्टैक्ट, जो NC हो चुका है NC कॉन्टैक्ट से होके इस कॉइल में चली जाएगी, A2 कॉइल में चली जाएगी, कॉन्टैक्ट में चली जाएगी और ये सप्लाई यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, एक सर्किट बन जाएगा जिससे ये होल्ड हो जाएगा। और हम जब इसे स्टॉप पुश बटन दबाएंगे तो ये जो सप्लाई यहाँ से NC जो NO से NC कॉन्टैक्ट था ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट टूट जाएगा, और कॉन्टैक्ट टूट जाएगा तो ये NC से NO में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारा ये मोटर स्टॉप हो जाएगी और कॉन्टैक्टर डीलेज हो जाएगा। इस प्रकार हमारा डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम इसको वीडियो में प्रैक्टिकल देखेंगे कि एक्चुअल वायरिंग होती कैसे। 24 वोल्ट की सप्लाई जो है यहाँ पे हम 24 वोल्ट की सप्लाई लेंगे, या नॉर्मली क्लोज ओवरलोड रिले के हम नॉर्मली क्लोज से सप्लाई लेंगे और ये सीधा हमारा आएगा ऑफ पुश बटन में, जिसे हम नॉर्मली क्लोज कहते हैं, ऑफ पुश बटन में आएगा। अब यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट होगा जो ऑन के लिए जो होगा ये नॉर्मली ओपन रहता है, ये पुश बटन ऑन हो जाता है, ये सीधी इसकी जो सप्लाई होगी सीधी कॉइल में जाएगी, ये कॉन्टैक्टर की सीधे कॉइल में जाएगी। और इसका जो दूसरा हिस्सा है, इसके वायर का जो यहाँ जो दो पार्ट में डिवाइड हुए, ये दूसरा हिस्सा जो जाएगा ये कॉन्टैक्टर के नॉर्मली ओपन एलिमेंट्स नॉर्मली ओपन से होके सीधे कॉइल में कनेक्ट हो जाएगा। ये लैच का काम करता है, जैसे ही ये होल्ड होगा, ये जैसे ही हम बटन दबाएंगे, जैसे हमने ऑन पुश बटन दबाया तो ये होल्ड हो गया, और यहाँ तो ये दोबारा ओपन हो गया है, यहाँ तो ओपन हो गया, लेकिन ये यहाँ पे इसके जो सप्लाई आएगी, जो यहाँ से जो सप्लाई चलेगी, यहाँ से जो कंटिन्यू सप्लाई आ रही है, ये NO से आने के बाद सीधे कॉन्टैक्टर में ये कॉइल में चली जाएगी, इस प्रकार ये होल्ड हो जाएगा। अब हम इसको ऑफ कर देते हैं तो ये कॉन्टैक्ट छूट जाएगा। ये हुआ हमारा डुअल स्टार्टर। ये डुअल स्टार्टर की वायरिंग आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे।